हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका ALP असिस्टेंट लोको पायलट 5696 पोस्ट पर जो इसका रिक्रूटमेंट निकाल कर सामने आ रहा, जिसमें अभी बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। पहला अनाउंसमेंट तो आपका ALP का है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, और अभी रिसेंटली रेलवे के वेबसाइट पर पर्टिकुलर एग्जाम डेट यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया रेलवे ने, और ये कंफर्म रेलवे बोल रहा है कि इस डेट में आपका हम एग्जाम ले लेंगे। यहां तक कि CBT 1 का बात करिए, CBT 2 का बात करिए, साइको टेस्ट का बात करिए, पैनल का बात करिए, सारा का सारा यहां पे जो डेट है वो पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो चलिए पूरा आगे देखेंगे वीडियो में कि कब कब आपका कौन कौन सा डेट में आपको यहाँ पे CBT 1, CBT 2, साइको और पैनल के बारे में बताया जा रहा। इसके साथ साथ टेक्नीशियन साथियों, अगर आप भी रेलवे ALP टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के बेस्ट बुक के बारे में जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप वाइज, ईयर वाइज। इसके साथ साथ ITI के सभी ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जैसे फीटर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिजिक्स एवं मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, हीट इंजन। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 56 सेट आप लोगों को दिया गया है। यह बुक मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है, तो बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं, और अभी कुछ क्षण पहले ही इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमने प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये नोटिस मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CA No. 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ ALP टेंटेटिव टाइमलाइन। तो यहाँ पे टेंटेटिव टाइमलाइन जो है आपका CBT 1, CBT 2, साइको और यहाँ पे आपका पैनल तक का पूरा टाइमलाइन रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। पर अभी तक वैकेंसी इंक्रीज को लेकर यहां पे कोई भी ऑफिशियल बयान रेलवे की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो एज का क्रिटेरिया था, एज बढ़ाने का बात था, एज में रिलैक्सेशन का बात का, उसका फाइनली रेलवे यहां पे मान ली है, और सभी कैंडिडेट को जो अनरिजर्व वाले होंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले, 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और अभी उसके बाद ये नोटिस आपको देखने को मिल रहा। तो चलिए देखते हैं कि कब कब आपका यहां पे रेलवे बता रहा कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। एप्लीकेंट्स टू द पोस्ट ऑफ ALP Notified under CEN 1/2024 are aware that the last date for submission of application is 19/2/2024। रेलवे का कहना है कि जो हमने ALP असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी यहाँ पे निकाला है CEN 1/2024 के अंतर्गत, इसका लास्ट डेट आपका है फॉर्म अप्लाई करने का 19 फरवरी 2024। दे आर एडवाइज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ईयरली एंड अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश एंड नेटवर्क कॉन्गेंस। तो यहाँ पे रेलवे का कहना है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो फटाफट करके पहले ही फॉर्म सबमिट कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि लास्ट मिनट में क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगता है, साइट हैंग हो जाता है, साइट क्रैश हो जाता है, तो वो सारा प्रॉब्लम से आपको यहाँ पे पहले ही निजात देने के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि दी CBT 1 एग्जाम फॉर दी पोस्ट आर टेंटेबली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन जून एंड अगस्त। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जो आपका CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, वो आपका जून से अगस्त के बीच में आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें CBT 1 के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है दी सेकेंड स्टेट CBT 2 एग्जाम आर टेंटेबली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024। तो CBT 1 के बारे में आपको बताया जा रहा है कि भैया हम जून से लेकर अगस्त के बीच में लेंगे, और CBT 2 के बारे में बताया जा रहा है कि भैया हम आपका यहां पे सितंबर 2024 में आपका CBT 2 भी कंडक्ट करवा लेंगे। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट का बात रहा, CBAT का बात रहा, तो यहां पे नवंबर 2024 में आपका बताया जा रहा शेड्यूल में कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट डिपार्टमेंट की तरफ से करवा लिया जाएगा, और आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन नवंबर 2024 और दिसंबर 2024। कहने का मतलब है कि 2024 वैकेंसी का पूरा सिलसिला 2024 में भी यहाँ पे डिपार्टमेंट
खत्म करने का बात बोल रहा, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम 1 हो 2 हो और यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात हो, आपका नवंबर दिसंबर तक पूरा फिनिश करने का डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्योंकि रेलवे का कहना है कि भैया हम हर साल आपको वैकेंसी देंगे, तो जब हर साल वैकेंसी देंगे तो प्रोसेस भी थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट होना चाहिए, पर अभी तक वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कोई भी मामला रेलवे की तरफ से सामने नहीं आ रहा। पर कैंडिडेट जो है कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे, फिर भी अभी तक रेलवे इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक नोट करके यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि दिस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर दी नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ ALP इज प्रोविजनली पैनल फोल्डिंग इशू इन जनवरी 2025। तो पूरा यहाँ पे आपको प्लान के तहत बता दिया जा रहा है कि आपका CBT हम कब लेंगे, DV कब कराएंगे, पैनल कब जारी करेंगे। तो ये पूरा एक टेंटेबली डेट जो है आप लोगों को सामने यहाँ पे आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे रिलीज कर दिया है। ठीक है, अब बात रहा कि भैया टेक्नीशियन का भर्ती कब तक आएगा, तो टेक्नीशियन का उम्मीद है कि आपका फरवरी मिड तक टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जहां तक बात रहा ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी का वैकेंसी आने में थोड़ा सा यहां पे डिले हो सकता है, तो आपका उम्मीद करिए कि आपका मार्च के बाद आपका ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जितने कैंडिडेट ITI पास है जो टेक्नीशियन भर्ती का वेट कर रहे हैं, अब आपका समय आ चुका है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। और ALP के बारे में तो हमने वीडियो में चर्चा कर ही दिया, एज रिलैक्सेशन मिल गया, एग्जाम डेट आ गया, आप देखिए धीरे धीरे करके बस एक और फैसला रेलवे ले ले, वैकेंसी को बढ़ा दे और छात्रों को कुछ नहीं चाहिए, बस छात्र इतना ही डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसी तरह का पलपल का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पलपल का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।